एन एरा ऑफ इंटरेस्ट ओके इफ़ यू सी द चाइल्ड एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट हर एक जो बच्चा होता है उसकी अपनी एक पोटेंशलिटी होती है और वो दूसरे बच्चों से अलग होता है ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे के अंदर एक ही तरीके का टैलेंट हो एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ़ द टैलेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द पोटेंशियल एंड फ्रॉम दियर पोटेंशियल ही और शी कैन अचीव accordingly that okay so uh, whatever the uh, children were there they were they were learning from there uh, own interest वो अपने सीखने की जो शैली uh, होती है अपने सीखने के जो रुचि होती है वो सब बच्चों के अंदर अलग अलग होती है read the interview that follows यहाँ पे एक interview दिया गया है in this chapter there uh, there is one interview given there it is based on the conversation between मिस बेला राजा ओके मिस बेला राजा जो कौन है हु वॉज मिस बेला राजा शी वॉज द एडिटर ऑफ प्रेस अ न्यूज़ पेपर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर ओके द वैली स्कूल बैंगलोर एंड मिसर हफीज कॉन्ट्रेक्टर ओके हफीज कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है इन दिस कन्वर्जेशन देर वर देर वॉज एन इंटरव्यू टेकिंग टेकिंग बाय बाय मिस मिस बेला राजा ओके ये इंटरव्यू जो है वो किसका लिया गया है मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर का लिया गया है ओके okay. तो मिसेस बेला राजा इंटरव्यू टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वन ऑफ द इंडियास लीडिंग आर्किटेक्ट एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंडिया लीडिंग आर्किटेक्ट ओके तो वो इंडिया का एक बहुत एक कह सकते हो कि फेमस आर्किटेक्ट में से एक है हफ़ीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज़ एन अनहैप्पी स्कूल बॉय वैन ही वॉज इन हिज स्कूल ही वॉज वेरी अनहैप्पी बॉय बराबर उसको ज़्यादा खुश नहीं रहता था ड्यूरिंग द स्कूल टाइम पीरियड ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिस्ट्रेस्ट द मैकेनिकल लर्निंग मैथेमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स ओके okay? तो उसको बहुत सारी चीज़ें उसको काम करना बहुत अच्छा लगता था ही लवड डूइंग थिंग्स बराबर ही इज़ नॉट अ फ्रेड ऑफ द थिंग what वॉट ही वॉज ही हैज टू डू ओके बट ही हेट द mechanical लर्निंग उसको मिकैनिकल लर्निंग जरा भी पसंद नहीं आता था और इफ़ यू आर टॉक अबाउट द मैथेमेटिक्स अगर मैथेमेटिक्स की बात आ गई तो उसको एक कंपनसी हो जाती वो काँप जाता था मैथेमेटिक्स से इतना डरता था वॉट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हीम Him influenced him deeply once his principal told him something और उन्होंने एक बार उससे जो कहा था उसकी जो impact है उसका जो influence है वो उसकी life के ऊपर बहुत ही deeply हुआ है okay so this is the conversation this is an interview between two persons so यहाँ पे whenever H C is there बराबर है यहाँ पे जहाँ पे आप H C देखोगे that means hafiz contractor and B R B R means यहाँ पे जो interview ले रही है बराबर उस ल, उस लेडी का नाम है जिसका नाम क्या है मतलब अब अब जो लेडी इंटरव्यू ले रही द इंटरव्यू ऑफ हफीज कॉन्ट्रैक्टर ओके लेट्स सी व्हाट इज दैट नाउ हफीज कॉन्ट्रैक्टर आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर

बहुत भयानक मतलब बहुत दुखद जो है वो सपने आया करते थे बराबर और वो जो ओवर द लास्ट फोर और फाइव इयर्स पिछले चार पाँच सालों से वो क्या हो गया है इट सीम्स टू हैव अ डिजअपियर डिज़पियर मीन्स गायब हो जाना तो इट वाज डिज़पियर फ्रॉम लास्ट फाइव और फोर इयर्स ओके नाउ बिला राजा आस्क हिम What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप कौन से nightmare की बात कर रहे हो? Which nightmare are you talking about and why it was disappeared? और वो कैसे गायब हो गया है और क्यों गायब हो गया है? आप कह सकते हो? How can you say? आप कैसे कह सकते हो? ठीक है कि वो गायब हो गया है तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से आई यूज टू गेट कंटिन्यूज नाइट मेयर अबाउट अपीयरिंग फॉर द मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट एलो द आई डिड नॉट नो एनी थिंग मिस्टर हफ़ीज़ कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड दैट वॉट एवर द नाइट मेयर विल कम जो भी मुझे सपना आता था मुझे क्या सपना आता था कि मैं मैथ्स की एग्ज़ाम अपीयर करने बैठा हूँ मैथ्स की एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ और मैथ्स की एग्ज़ाम में मुझे कुछ भी नहीं आता ही वॉज़ वेरी शिवर्ड अबाउट द मैथ्स उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था कांपने लगता था नाउ द नाओ द फिजिक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट अब जो है वो मेरी मानसिकता जो है उसके ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया है मेरी जो साइक है बलाइक मीन मानसिकता जो होती है उसके ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया है आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देर इज एप्सुलटली नो टाइम टू गेट नाइट मेयर ओके हीफिज कॉन्ट्रैक्टर सेट देट आई हैव कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन के मुझे अब जो है वो एजुकेशन के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता है और ये जो नाइट है बराबर ये ख़राब जो सपने होते हैं उसको लेने के लिए अब मेरे पास टाइम भी नहीं है बिकॉज आई एम टू बिजी इन माय रेगुलर शेड्यूल सो आई डोंट हैव अ टाइम नाइट मेयर मीन्स यहाँ पर मीनिंग दिया है हंटिंग फियर जो रात का जो सपना आता है प्रेग्नेटिंग ड्रीम जिसके अंदर डर लगता है दैट इज़ कॉल नाइट मेर एंड साइक मतलब यहाँ पर माइंड और दिमाग से रिलेटेड होता है मानसिकता दैट इज़ कॉल मैंटेलिटी ओके नाउ Again, uh, Bila Raja asked him, uh, Bila Raja told him, uh, टेल अज समथिंग अबाउट यूर अर्लीएस्ट मेमोरीज इन स्कूल बेला राजा टोल्ड ही के भाई आप अपनी अर्लिएस्ट मेमोरी के बारे में कुछ बताइए टेल अज समथिंग अबाउट योर अर्लिएस्ट बिफोर मेमोरी अबाउट द स्कूल तो हाफिज़ कॉन्ट्रेक्टर सेड हियर अबाउट द हिज स्कूल लाइफ टू बेलाजा इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट ही टोल्ड हियर दैट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैं एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था ओके एंड आफ्टर आई रीचड द थर्ड स्टैंडर्ड जब मैं तीसरे स्टैंडर्ड में आया आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी तो मुझे जो है वो जो सिंपली लॉस्ट माई इंटरेस्ट इन द स्टडी मुझे स्टडी के अंदर जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहा और आई नेवर स्टडी और फिर मैंने स्टडी नहीं की आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स रनिंग अराउंड प्लेइंग जॉक्स एंड फ्रेंक्स ऑन अदर्स मुझे क्या चीज़ में अच्छा लगता था तो यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे खेल में, कूदने में या वहाँ दौड़ने में ठीक है खेलने में लोगों का मजाक करने में लोगों के साथ फ्रैंक करने में शरारत करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था आई वुड कॉपी इन द क्लास ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम वेन एवर द एग्ज़ाम टाइम वर देयर मैं चिट बना के कॉपी बना के उसमें से लिखता था आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर any uh, and study it as i could not remember things that had been taught टू मी इन क्लास ओके यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत सारी मजाक मस्ती करता था शरारत करता था मुझे पढ़ाई में आई डिडेंट इंटरेस्ट इन द स्टडी और एग्ज़ाम का जो टाइम होता था उसके अंदर क्लास के अंदर मैं कॉपी भी करता था और वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर आता था तो उसको मैं आ, मतलब हथियाने की कोशिश करता था मतलब कैसे भी करके मुझे क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाए इन एनी सिचुएशन हाउ कैन आई 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 गैट द क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम के लिए बनाया जाता था उसको मैं कैसे भी करके हासिल करने की कोशिश करता था और उसको पढ़ लेता था क्योंकि उन चीज़ों को मैं याद भी नहीं रख पा रहा था आई डिडेंट रिमेंबर दैट थिंग्स बराबर मुझे कुछ याद नहीं रह पाता था जो मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था वॉट एवर आई टॉट इन माई क्लास आई डिडेंट रिमेंबर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम पीरियड सो ही टोल्ड अबाउट हिज स्कूल एक्सपीरियंस टू बेला राजा हाउ एवर लेटर Uh, one uh, sentence spoken to me by my principal changed my life, and after that he told that once his principal told him one sentence uh, and that sentence changed the, his life, Uski life badal ke rakdi sentence ne. when i uh, uh, when I approached my eleventh standard okay when he was in eleventh standard the principal called me and said at the time of um, at the at the time the principal called him and said. लुक ही और उसके प्रिंसिपल ने ठीक है डे वन डे वन मतलब फर्स्ट डे से सेवेन एवर यू एंटर्ड इन द स्कूल फ्रॉम द फर्स्ट डे आई ऑब्जर्व यू यू आर अ गुड स्टूडेंट ओके बट यू नेवर स्टडी तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टूडे मैंने आज तक तो तुम्हारा ध्यान रखा नाव आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू सो यू डू इट योर लेकिन अब मैं अब तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ अब तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा तो प्रिंसिपल ने उसको उस लड़के को ऑफिस कॉन्ट्रेक्टर को जब वो वेन एवर ही वॉज अ स्टडी इन द स्कूल ही कॉल्ड एंड उसको ये बात बताई ही टॉक्ड टू मी फॉर फाइव मिनट्स या फिस कॉन्ट्रेक्टर टोल्ड हियर कि उन्होंने मुझसे पाँच मिनट बात की यू डोंट हैव योर फादर यू डोंट हैव योर फादर योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल द फीस ऑल दिस इयर्स बट यू हैव ऑनली प्लेड गेम्स तो उसके प्रिंसिपल ने उनको कहा कि यू डिडेंट हैव फादर तुम्हारे पास फादर नहीं हैं तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और कैसे भी करके पूरे साल की फीस जो है वो इकट्ठा करती है और तुम जो है वो उस फीस का मतलब यूज़ नहीं करते हो यू आर नॉट यूजिंग दैट फीस इन द स्टडी यू आर प्लेइंग ओनली ओके प्लेइंग इन यू आर टेकिंग इंटरेस्ट टू प्लेइंग इन द गेम्स ओनली नाव यू शुड राइज टू ओकेजन एंड स्टडी ओके अब तुम इस, इस इस जो अवसर है ओकेज़न है उसका लाभ उठाओ और क्या करो पढ़ाई करो अदरवाइज इफ यू लॉस दिस टाइम यू विल नेवर यू डिडेंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड तो प्रिंसिपल ने उसको समझाते हुए कहा देन आफ्टर आई यूज टू बी अ वेरी एंड आई आई आल्सो वाज अ क्रिकेट कैप्टन ओके ही वॉज सीनियर चैम्पियन फॉर द मैनी ईयर्स बहुत साल तक ही वो सीनियर चैम्पियन रहा और क्रिकेट में तो वो कैप्टन भी रह चुका है आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड ईयर दैट वो हर गेम खेलता था बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट आई टू द फील्ड लेकिन उस साल मैं एक भी बार मैदान में नहीं गया ओके okay, तो उस प्रिंसिपल के साथ कन्वर्जेशन के बाद उसकी लाइफ जो है वो क्या चेंज हो जाती है हाउ इज़ लाइफ वाज चेंज हियर ही डिस्क्राइबड अबाउट दैट आई वुड गो फॉर प्लेयर्स प्रेयर्स सॉरी एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी ओके मैं हमेशा प्रेयर के लिए जाता था ही वाज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ही वॉज मुस्लिम सो वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था तो वो प्रेयर करता था बराबर है और ही वुड डू वॉज़ इट एंड स्टडी और दूसरा वो क्या करता था केवल खाता था और पढ़ाई करता था आई नॉर्मली यूज टू कापी एंड पास बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज़ इन एस एस सी आई कुड नॉट डू दैट वो हमेशा एग्जाम के अंदर क्या करता था कॉपी करता था और पास करता था लेकिन उसने एक्सपीरियंस किया कि जब एस एस सी में आया तो उसके बाद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा बट क्योंकि स्कूल लेवल पे आप कॉपी कर सकते हो बोर्ड की एग्जाम में हाउ कुड यू कॉपी व्हेन आई गेट अ सेकंड क्लास फिफ्टी परसेंटेज इन माय एसएससी माय प्रिंसिपल सेड ओके जब उसको एसएससी मतलब टेंथ स्टैंडर्ड के अंदर तो उसको कितने परसेंटेज मिले ही गॉड द फिफ्टी परसेंटेज एट दैट टाइम उनके प्रिंसिपल ने उसको कहा सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंग अपना जो तुमने अपनी जो विशिष्टता है वो प्राप्त किए हैं और ये जो स्कूल के दिनों की एक तुम्हारी जो मेमोरी है वो तुम्हें याद रहनी चाहिए आई डिड लॉस्ट ऑफ द अदर थिंग्स मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भूल चुका हूँ सी एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न जहाँ तक मेरी बातों का सवाल है आई कांट रिमेंबर मुझे कुछ इतना याद नहीं है आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी ईजीली ओके okay, मैं बहुत जल्दी आसानी से चीज़ों को भूल जाता हूँ टू रिमेंबर मुझे याद नहीं रहता आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ ओके तो आई हैव टू सीन थिंग्स टू द फोटोग्राफ मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को आसानी से भूल जाता हूँ याद रखने के लिए मुझे उस चीज़ों का फोटोग्राफ की तरफ देखना पड़ता है कि भाई ये फोटोग्राफ देखकर मुझे वो चीज़ याद रहती है ओके आई रीड अ आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर आई कैन रिमेंबर द मैटर आई कैन रिमेंबर द मैटर एज फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड दैस इज हाउ इट वर्स ओके जब मैं किसी बुक को पढ़ता हूँ और मैं उसके फोटोग्राफ की तरफ बहुत ही ध्यान से उस टॉपिक को मेरे सामने रखता हूँ उस टाइम पे वो दिमाग से मुझे वो निकाल नहीं पाता हूँ मतलब उस टाइम पे मेरा दिमाग जो है वो इस तरीके से काम करता है कि मुझे लर्निंग जो है वो ज़्यादा याद नहीं रहती बट फोटोग्राफ से मैं कुछ याद रख पाता हूँ नाव बी आर मतलब बेली राजा ये रास्ते अनदर क्वेश्चन वेन यू वर इन योर स्कूल एंड यू आर डूइंग बैडली डिड द टीचर पुल यू अप एंड Uh, how did you feel whenever you were यू आर इन द स्टडी और आप जब पढ़ाई नहीं करते थे तो टीचर ने आपको डांटा है उस टाइम पे विच काइंड ऑफ फेल्ट दनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप ठीक है डांटने पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग मैं खाली और खाली खेलने में ही मजे लेता था मुझे खेलने में ही अच्छा लगता था आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक और मुझे हर वीक में कैनिंग मतलब के मतलब हर पनिशमेंट मुझे मिला करती थी बराबर हर कोई ना कोई पनिशमेंट मुझे हर वीक में स्कूल के अंदर मिलती थी नाबली राजा डॉक्टर अड वैन यू नो दैट यू हैड इनक्रेड विथ इनक्रेड द रैथ ऑफ़ योर टीचर by not doing your homework or by behaving badly when you knew when you knew you would get a caning and what was the state of your mind now bali raja asked the question ki jab aapko pata laga ki aapka aapne apna homework nahi kara बराबर नहीं करके या खराब जो bad बिहेवियर करके आपने अपने teacher को नाराज़ कर दिया है तो जब आपको ये पता चलता था कि आप आपको पनिशमेंट मिलने वाली है तो आपके मन की क्या हालत होती है तो आप म, दिमाग में क्या सोचते थे ओके okay. तो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर टोल हियर स्टेट ऑफ माइंड मन की हालत जस्ट लिफ्ट अप एंड लिफ्ट ऑफ द हैंड मैं खाली हाथ आगे बढ़ा देता था आपको जो पनिशमेंट देनी है दे दीजिए एंड दे वुड कैन यू और वो मुझे सतासठ सट लकड़ियों से मारते थे इट वुड हर्ट बैडली एंड वेन आई वुड हैव सो फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले तो मुझे जब बहुत पीड़ा होती थी मुझे बहुत दर्द होता था फिर भी मैं उसे मैं उसे भूलने में पड़ जाता था क्योंकि मुझे खेलने की और इच्छा होने इनसिक्योर और थ्रेडेंड तुझे तुझे कभी भी इनसिक्योरिटी का या डर का एक्सपीरियंस नहीं होता था ऐसा कोई फीलिंग नहीं होती थी कि आपको फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा वॉट एवर डोंट यू फीलिंग लाइक दैट तो हफिज़ कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड हियर आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स मुझे खाली खेलने में ही अच्छा लगता मुझे और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी आई वॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग ऑनली ओके आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी फ्रैंक्स और मैं फ़नी फ्रैंक्स में दूसरों को उल्लू मनाने में दूसरों के साथ मारा मारी करने में खेलने में ये सब में मुझे मज़ा आता था वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रक्शन फॉर वन वाइल्ड अवर वी प्लेड चोर पोलिस तो हमने क्या किया एक दिन मुझे मैं पढ़ना नहीं चाहता था इसलिए मैंने क्या किया एक खुराफ़त की मतलब कि एक गुस्ताखी की कि हम एक घंटा तक क्या खेलते रहे चोर पुलिस खेलते रहे द होल आवर मीन्स पूरे एक घंटे एक तक वो पु, चोर पुलिस खेलते रहे एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन अ टाउन टू सी अ मूवी एवरी सैटरडे उनको परमिशन मिलती थी टाउन में जाने की और मूवी देखने की सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव no lunch and collect money from 40 50 student, students and run and buy the tickets of on my way back i would eat my heart's कंटेंट ओके okay. तो हर सैटरडे को उनको एक मूवी देखने के लिए परमिशन मिलती थी टाउन में जाकर इसलिए वो क्या करते थे अपना लंच जो थे वो छोड़ दिया करते थे और 40-50 स्टूडेंट्स के पैसे वो कलेक्ट करते थे और फिर दौड़कर वो टिकट खरीदने आई यूज टू बी द लीडर ऑफ द गेंग में गेंग का एक लीडर भी हुआ करता था नेता भी हुआ करता था वी वुड हैव गेंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटर्जीज हमारी जो गैंग थी वो लड़ाई की झगड़े की हम लोग ऐसे स्ट्रैटर्जी बनाते थे कि भाई किस को मारना है किसको पीटना है किसको कूटना है वैसे ही हमारी गेंग थी और आई वॉज द लीडर ऑफ दैट गैंग दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर दैन मोर देन एनी एक्मिस और ये जो चीज़ थी वो मुझे और पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे ये सारी चीज़ों में आता था कब किसको मारना है कब गुंडागर्दी करनी है कब किसको पीटना है कब किसको को कूटना है ये सारी चीज़ों में मुझे मजा आता था ओके स्टूडेंट्स यूज टू बुक बुक माई टेक्सट बुक्स फॉर द ईयर स्टूडेंट्स जो थे वो अपने अगले साल के लिए मेरी जो टेक्स्ट बुक थी उसको बुक कर देते थे बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू क्योंकि मैं उसको खोलता ही नहीं था हमेशा कैसी रहती थी ब्रांड न्यू रहती थी पूरे साल में पढ़ाई तो करता नहीं था और जो बुक्स रहती थी मेरी एकदम ब्रांड न्यू रहती थी इसलिए सब लोग जो थे उसको ख़रीदने का मतलब मेरे पास से मेरी बुक बुक कर देते थे आई प्रोबेबली ओपन दैन वन डे बिफोर एग्जाम और एग्जाम के एक दिन पहले शायद ही मैं उस बुक को खोलता था कि उसका उसके अंदर क्या है बराबर है वो देखने की कोशिश करता था ड्यूरिंग द एंटायर ईयर आई डिडेंट ओपन द बुक ओके सो दिस इज़ द पार्ट वन एंड दिस इज एन इंटरव्यू गिवन बाय द हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो बेली राजा को इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में वो अपना ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट हिज स्कूल लाइफ एंड वेन एवर ही वॉज इन हिज स्टूडेंट लाइफ विच काइंड ऑफ द मिसचिवियस बिहेवियर ही वॉज डन इन द स्कूल दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पार्ट वन सो ब्यूटिफुली आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस लेसन ओके In your notebook okay in our next video we'll discuss about part two okay friends bye take